हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग द थर्ड चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास इंग्लिश द लिटिल गर्ल। स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डिस्कस द हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड टुडे वी विल डिस्कस द लेफ्ट पार्ट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कीजिया के फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे होता है, उसकी नानी उसको पिन कुशन बनाने के लिए कहती है और पिन कुशन बनाने के लिए कीजिया बड़े एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ कुशन बनाती है, उसकी एम्ब्रॉयडरी करती है, शाइनिंग कपड़ा लेके उसको सिलती है और उसको उसमें फिल करने के लिए, अंदर भरने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सारे घर में ढूंढती है। उसके बाद अपनी मदर के रूम से कुछ कागज के टुकड़े लाती है और उनको फाड़ के उस कुशन में भर देती है। अब जब शाम को उसके फादर आते हैं, सारे में ढूंढते हैं कि उसके कोर्ट एग्रीमेंट की स्पीच कहाँ है, उन्हें कहीं नहीं मिलती, तो तब वो उसकी मदर से बोलते हैं। तो जब मदर कीजिया से पूछती है तो कीजिया बताती है कि हाँ, मैंने कुछ पेपर्स आपके रूम से लिए थे जो मैंने इस क्वेश्चन में भर दिया। ये सारी बात उसकी मदर उसके पापा को बता देती है और पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो कीजिया के रूम में जाते हैं एक स्केल लेकर और वहां पर उसे पूछते हैं कि तुमने, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी लाइफ में, किसी की चीज नहीं छेड़ोगी। और वो उसकी कुछ बात बिना सुने ही उसके हाथ पे स्केल से उसकी पिटाई करते हैं और उसके हाथ बिल्कुल लाल हो जाते हैं, यहाँ तक कि अब वो रोने लग जाती है। तभी उसकी दादी आती है, उसके हाथ देखकर उसको कहती है कि बेटा आप सो जाओ और सुबह तक आप सब भूल जाओगे। लेकिन कीजिया रोते हुए कहती है, दादी मैं कुछ नहीं भूलूंगी और भगवान ने ये पापा को क्यों बनाया। उसके बाद से वो जब भी अपने पापा को देखती है तो तभी वो डर के मारे उसके गाल लाल हो जाते हैं, वो कांपना शुरू हो जाती है। फिर एक दिन अचानक उसकी मदर बीमार हो जाती है और वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाती है, साथ में उनकी दादी भी चली जाती है। अब कीजिया अकेली बावर्ची एलिस के साथ घर पर होती है। उसके पापा लेट आते हैं ऑफिस से, तो तब तक कीजिया अपने रूम में सो जाती है। अब जैसे ही वो रूम में सोती है तो उसको एक भयानक सपना आता है कि कोई कसाई है जो कि चाकू और रस्सी लेकर उसके पास आ रहा है और उस बेचारी वो वहां पर लेटे लेटे दादी दादी चिल्लाने लगती है। तभी कीजिया के पापा उठकर उसके रूम में आते हैं और उससे पूछते हैं, कीजिया क्या हुआ। तो वो चिल्लाकर एकदम हड़बड़ाहट में उठती है और कहती है, पापा मुझे दादी चाहिए। अब उसके पापा उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं और अपने साथ सुला लेते हैं। अब क्या होता है, कीजिया को रियलाइज होता है कि पापा तो सिर्फ ऊपर से स्ट्रिक्ट है, अंदर से पापा बहुत सॉफ्ट है। जब उसको सुलाते हैं, उसको प्यार से लिटाते हैं तो उसको समझ आने लगता है कि पापा का दिल बहुत बड़ा है और पापा ऊपर से गुस्सा करते हैं। और वो ये भी समझने लगती है क्योंकि पापा दिन भर मेहनत करते हैं, थक के आते हैं, इसलिए उसके साथ खेल नहीं पाते, इसीलिए उसके साथ अच्छे से बोल नहीं पाते, गुस्सा ज्यादा करते हैं। ये सारी चीजें कीजिया यहाँ पर समझ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी द लिटिल गर्ल। थैंक यू।